किश्तवाड़ से कल एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई थी कि एक 6 महीने का बच्चा जो है वो एक बुरका लगाई हुई औरत जो है वो किश्तवाड़ से के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो है वो उड़ा के लेके चली गई। जब ये खबर पूरे किश्तवाड़ में फैल गई तो हड़कंप मच गया और 8 घंटे की मशक्कत के बाद जो है वो ये बच्चा रिकवर हुआ। और ये बच्चा जो रिकवर हुआ, जिस औरत से ये बच्चा रिकवर हुआ उसका नाम जो है वो शबनम देव है, जो वेटरनरी डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल जो किश्तवाड़ का है उस एरिया की जो है वो रहने वाली है। और शबनम जो है वो बदकिस्मती से हमारी क्लासमेट है जिसने ये बच्चा जो है वो चुराया था। मैं आपको बताऊंगा कि शबनम की पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, शबनम कौन है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो बच्चा है वो किस तरह से रिकवर हुआ और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किस तरह से जो है वो इस बच्चे के पास पहुंची। सुबह 11 बजे के करीब जब ये बच्चा चोरी होता, जो ये शबनम है, शबनम का जो पास रहा है वो जो इसके दो हस्बैंड जो थे शबनम के, वो हिज्ब के टॉप रैंक मिलिटेंट कमांडर थे जो कि एनकाउंटर में मारे गए हैं दोनों, और शबनम को भी जो है वो एक एनकाउंटर में जो है वो गोली लगी हुई है। तो मैं आपको एक बता दूं कि जो शबनम का पहला हस्बैंड था उसका नाम हुसैन अलियास जो है वो शमीम था, ये चिल्ली पिंगला का रहने वाला था। और इसका जो है एनकाउंटर 2003 में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बटियास में हुआ था, जिसमें ये जो है वो वहाँ मारा गया था। इसके बाद शबनम जो है वो दूसरी शादी करती है और वो दूसरा शख्स कोई और नहीं होता, फिर एक और टॉप रैंक हिज कमांडर होता है जिसका नाम जहूर अहमद खांडे अलियास बासित अली है, जो कि चिंगला चिली भाला का रहने वाला है। यानी कि ये दोनों जो हुसैन और जहूर खांडे थे ये एक ही एरिया के जो है वो रहने वाले थे, और शबनम ने जो है इन दोनों के साथ शादी की थी। और 2004 में जब दुनदी में एक एनकाउंटर होता है उसमें जो है ये शख्स जो जहूर अहमद खांडे जो कि हिज्ब का टॉप रैंक कमांडर उस वक्त था वो मारा जाता है। और ये जो है इसमें जब जो शबनम है सिक्योरिटी फोर्सेस उसका पीछा करते हुए जब कर रही थी तो जब ये अपने हस्बैंड से मिली तो वहाँ पर जो है वो एनकाउंटर हुआ, इसमें भी जो है वो शबनम जख्मी हो गई और शबनम को भी जो है वो उस एनकाउंटर में गोली लगी थी और ये जो है वो बच निकली है। इसके बाद ये भी खबरें मिली थी कि इसने कहीं बानाल में फिर से शादी की है, लेकिन वो जो है उसकी तस्दीक नहीं हुई है कि सुनने में मिला है कि वहाँ पर भी जो है इसको डिवोर्स हुआ है। और शबनम जो है वो हाईली क्वालिफाइड जो है वो लड़की है और क्लास में ये इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन किस तरह से ये जो है वो एक क्रिमिनल औरत में तब्दील हुई ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस तरह से शबनम की जो पास्ट हिस्ट्री है और जो जहूर अहमद खांडे है जो एनकाउंटर में मारा गया था बटियास में, उससे जो है वो शबनम का एक बेटा है जिसकी तकरीबन आज वो 17 साल की उम्र का होगा, क्योंकि जिस वक्त वो एनकाउंटर में मारा गया था शबनम जख्मी हुई थी उस वक्त वो जो है वो प्रेगनेंट थी, और उसके बाद इसको सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाज कराया था जिसके बाद ये बच निकली थी, इसकी जान जो है वो बच गई थी। और कल जो इसने कारनामा किया वो बिल्कुल एक शर्मसार करने वाला वाकया था और शर्मसार करने वाली हरकत थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये सीक्वेंस है वो कैसे हुई और किस तरह से जो है वो शबनम ट्रेप हो गई। शबनम जो है 11 से 11:30 बजे के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में आफरीन अहमद की जो वाइफ है जो बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लाई थी उससे जो है वो अपनी दोस्ती करती है, और दोस्ती करने के बाद जो है वहाँ पर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करती है, इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस जीतती है और वो बच्चा उसको देती है, और वो वहाँ पर स्लिप कटाने के लिए जाती है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर के पास काफ़ी रश था। जब ये शबनम जो है वो बच्चे को उड़ा के ले गई उसके बाद जो है वो फौरन हड़कंप सा जो है वो मच गया, और जो ये जो ये औरत है जिसका ये बच्चा था वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास चली गई, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने जो है वो पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, इस बीच जो है वो शबनम जो है वो शहर के डिफरेंट इलाकों से होती हुई जो है वो गायब हो गई। जैसे ही पुलिस को जो है वो इस बारे में इत्तला मिली, तमाम एजेंसीज जितनी भी है, चाहे वो पुलिस हो, इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी हो या पुलिस की एसबी की ब्रांच हो, जितने भी पुलिस वाले थे उनको जो है वो सड़क पे उतारा गया और तमाम किश्तवाड़ के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको जो है वो सीज किया गया। इसमें जो है वो फौरन जो है वो बाकी सोशल वॉलंटियर्स और लोग भी जो है वो जुड़ गए और प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी भी जो है वो इसमें जुड़ गया। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के यूनियन लीडर्स में से अंजर लोन है वो भी जो है हमें दिखा, एनजीओज के लोग जो है वो हमें जगह जगह दिखे और पुलिस ने जो है वो चप्पा चप्पा जो है वो छान मारा और इसमें मदद की जो सीसीटीवी फुटेज थी। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे पता चला कि ये जो शबनम है वो बस स्टैंड से होती हुई जो है वो पीएनबी का जो रोड है, जो हमारे बेटा शेख साहब जो असगर अली शेख है रेड क्रॉस के, उनके घर से होते हुए जो है वो वहाँ से निकली और कहीं आईटीआई और जो नीचे मलिक मार्केट का एरिया है उस साइड से जो है वो तक जो है वो उसको ट्रेस किया गया। शबनम जो है जब बच्चा चुराती है वो हमारी ही एक और कुलीग दोस्त डॉक्टर नुसरत के घर जाती है, डॉक्टर नुसरत मुगल जो कि डॉक्टर नुसरत भट्ट के नाम से भी जानी जाती है फिर, क्योंकि शबनम और वो जो है वो हमारे साथ जिस तरह से शबनम मेरी क्लासमेट थी वैसे ही जो है वो डॉक्टर नुसरत भी जो है वो शबनम की क्लासमेट थी। और जब ये उसके घर जाती है और बच्चा लेकर इसके गोद में होता है तो जब वो उसको दरियाफ्त करती है कि ये बच्चा जो है वो तुमने ये कैसा बच्चा है और ये किसका बच्चा है, तो शबनम जो है उसको बोलती है कि उसने जो है वो जम्मू की नौकरी छोड़ी हुई है, आज वो श्रीनगर में होती है और इसने वहीं से जो है वो इस बच्चे को जो है वो अडॉप्ट किया। तो जो बच्चा जो है ये एक बुरी हालत में होता है तो जो नुसरत है अपने बच्चों के पुराने कपड़े निकालकर और कंबल वगैरह निकालकर जो है वो उसको देती है और साथ में जो है वो बाहर जाकर अपने घर के बाहर जो उनका पिक एंड सेव का जो दुकान वहाँ पर है वहाँ से जाकर जो है वो डायपर्स वगैरह लाकर जो है वो इस बच्चे को जो है वो है वो लगाती है। शबनम जो है वहाँ पर बैठी होती है और 4:30 जब नुसरत को अपने फादर का एक वीडियो और फोटोग्राफ आता है जिससे जिसमें ये बताया गया है कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल से जो है वो एक बच्चा जो है वो चोरी हो गया है, जब वो उस फोटोग्राफ को देखती है और उस सीसीटीवी फुटेज को देखती है वो चौंका जाती है और वो शबनम से कहती है कि जो ये बच्चा चोरी हुआ जैसा तुम्हारे पास ये बच्चा है उसी तरह का जो है वो इसकी भी शक्ल जो है वो उससे मिलती जुलती है। जब वो शबनम पर जोर करने की कोशिश करती है तो शबनम उसको बोलती है नहीं तुम्हारे को जो है वो ये कन्फ्यूजन है, ये जो है वो बच्चा मेरा है, मैंने जो है इसको श्रीनगर से लाया है, और जो है वो बात को टालने की जो है वो कोशिश करती है। तो नुसरत जो है वो शबनम को ये बोलती है कि तुम्हारी आज जो है वो गुर्बत के दिन चल रहे हैं और तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है, तुम एक बच्चा किस तरह से अडॉप्ट कर सकती हो जबकि तुम्हारा ऑलरेडी एक ही एक बेटा है, तुम्हें उसकी पढ़ाई का उसके खर्चे का जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको ये दूध वगैरह के लिए, इसके कपड़ों के लिए, इसके पालन पोषण के लिए जो है वो तुम कहाँ से जो है वो लाओगे। तो इसी तरह से जो है वो शबनम जो है वो कुछ वक्त निकाल लेती है लेकिन जो नुसरत के जहन में ये एक चीज़ बैठ जाती है और उसके जहन में ये शक होता है कि जो ये बच्चा है शायद ये वही बच्चा है जो फोटोग्राफ्स में जो है वो दिख रहा है और जो वीडियो में औरत दिख रही है ये कहीं ना कहीं शबनम ही जो है वो शक्ल से लगती है। तो जब 6:00 होती है तो जो शबनम है वो नुसरत के घर से रवाना होती है तो इसी बीच जो है वहाँ पर सीआईडी के कुछ लोग जो है वो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं और जो शबनम का हस्बैंड है नदीम मुगल वो बाहर से आ रहा था तो जब उसको पूछा गया कि क्या यहाँ पर कोई बुरका लगाकर औरत जो है वो इस तरफ से आई थी तो क्योंकि नदीम को कुछ इस बारे में पता नहीं था तो उसने जो है बोला उनको कोई पता नहीं है। तो जब ये आवाज़ अंदर जब नदीम जब अंदर जाता है तो नुसरत को ये बात बोलता है तो नुसरत बोलती बिल्कुल आया था। तो जब वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो इन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स को जो है वो बुलाती है तो उनको बोलती है कि जी हाँ बिल्कुल जो है वो यहाँ पर एक औरत आई है, उसने बच्चा था, जब वो बच्चे की असली फोटोग्राफ दिखाई गई उसको तो उसने बोला कि यहाँ ये वही बच्चा है और जो ये औरत है वो इसकी जो है वो दोस्त है। इस बीच जो है वो शबनम जो है उसने जो नुसरत ने जो है वो जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल से
जो सर्च में लगे हुए थे उनको ये बोला कि जो शबनम है वो किसी ड्राइवर को फोन कर रही थी कि सुबह उसको जो है वो श्रीनगर जाना है, और उसने बोला था यहाँ वो अपने फ्रेंड के घर रात को रुकेगी, यहाँ जो है वो अपने माँ के घर में जो है वो रुकेगी। तो उसने जो जब ये बात जो है उनको बताई, जो जो ऑफिशियल इंचार्ज वहाँ पर जो उस वक्त मौके पर था, क्योंकि वो जो है वो नुसरत की फैमिली को जानता था, क्योंकि जो नुसरत के जो मरहूम जो देवर थे नईम मुगल, वो जो है वो उनके दोस्त थे। तो जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो साथ आए तो हमें जो है वो इस बच्चे को रिकवर करने में मदद कीजिए और उस औरत को पकड़ने में मदद कीजिए, तो उसके बदले जब उसने उसको फ़ोन किया तो उनका जो हस्बैंड है नदीम वो जो है वो साथ गया, और उसके अलावा एक पुलिस कॉन्स्टेबल जिसकी पहचान शबकत के नाम से हुई है जो कि पडियारना का रहने वाला बताया गया था। तो जब उनको जो ये खबर मिली तो जो ये डीएसपी रैंक के हमारे ऑफिशियल थे इंटेलिजेंस एजेंसी के, इन्होंने जो है वो किश्तवाड़ पुलिस से जो है वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया कि उनको जो है वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली है, वो जो है वो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है वो ऑन ग्राउंड वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। जब नदीम जो वेटनरी जो ये शबनम वेटनरी के पास रहती है, जब वेटनरी का घर जो जहाँ पर इनका है वार्ड नंबर 6 में, जब ये वो वहाँ पहुँचता है नदीम, तो नदीम ने पुलिस ऑफिशल्स को जो उनके साथ थे उनको रुकने के लिए बोला और अपनी वाइफ को बोला कि तुम फ़ोन करके उसको पूछो कि वो कहाँ है। जब वो फ़ोन करके उसको पूछती है तो उस जो शबनम है वो बताती है कि मैं अपने घर में हूँ। तो नदीम ने जो है वो इनको बोला कि आप बाहर रुको, पहले वो बच्चे की कस्टडी लेगा क्योंकि कहीं ये खदशा ना हो कि उस बच्चे को जो है ये शबनम नुकसान पहुँचाए या उसको जो है वो किसी तरह का जो है उसके साथ गलत हो जाए। तो जब नदीम अंदर जाता है तो वहाँ उसके बेटे को जो है वो पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, वो बताता है कि वो यहीं है, लेकिन जब नदीम उसको ढूंढता है तो वो वहाँ नहीं मिलती है। तो जब बच्चा उसको पूछता है तो क्या उसकी माँ उसको मिली, उसने बोला नहीं। जब बच्चा जो है वो अपनी माँ को पुकारता है तो माँ जो है वो अंदर से बाथरूम से जो है वो आवाज़ देती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो नदीम उसको बोलता है, जब वो नदीम से पूछती है कि तुम क्यों आए, उसने बोला तुम अंदर चलो मैं बताता हूँ कि मैं क्यों आया। जब वो नदीम वहाँ गया अंदर तो उसने बच्चे को देखा, तो बच्चे को जो है वो उसने अपने गोद में लिया, और जो ये ऑफिशल्स बार साथ थे उन्होंने जो है उनको इशारा किया जब वो अंदर आए, तो उस बीच जो है वो शबनम जो है वो से जब वो बच्चा लिया गया और उसकी पहचान हुई ये वही बच्चा था। तो जैसे ही ये बच्चा कन्फर्म हो गया कि वही था, तो वैसे ही जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ और एसएचओ किश्तवाड़ और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिशल्स थे, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी, वो जो है वो स्पॉट पे पहुंच गए, और जो बच्चा है जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशल्स की जो टीम थी उन्होंने जो है इस बच्चे को जो है वो पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद आपने खुद देखा कि किस तरह से जो है वो जश्न मनाया गया। किश्तवाड़ में जो है वो अभी भी जो है वो लोग जो है वो सदमे में हैं, और जो खास तौर पर जो माँ बाप है वो पैनिक में है, और जो ये शबनम जिसने ये कारनामा किया है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मुझे अफसोस के साथ कहना है पड़ता है कि ये जो है वो हमारी क्लासमेट रही है एक तरफ से, शबनम जो ये बच्चा चुराती है, जो हमारी क्लासमेट रही है, मेरी क्लासमेट रही है, दूसरी तरफ से जो नुसरत जिसने इस बच्चे को रिकवर करने में मदद की वो भी जो है वो मेरी क्लासमेट रही है, और मुझे फख्र है कि नुसरत ने जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार निभाया इस बच्चे को जो है वो रिकवर करने में, वरना अगर ये बच्चा जो है वो एक बार बाहर निकल जाता है किश्तवाड़ ज्यूरिडिक्शन से फिर इसको रिकवर करना जो है वो बहुत मुश्किल था, और इसकी माँ और इसके बाप के लिए जो है ये उम्र भर का अजाब जो है वो रहता। तो मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया शबनम के जो है पुराने कनेक्शंस भी हैं, शबनम जो है वो किस तरह से इन चंकरों में पड़ी या अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें इंक्वायरी करने की जो है वो ज़रूरत है, और ये भी देखना है कि क्या इसमें कौन कौन जो है वो मुलविस है। क्योंकि जो नुसरत ने जब हमें बताया रात को जब मुझे मेरी बात हुई उससे, तो उसने मुझे ये बताया कि जब इसका बेटा आया, जब उसने अपनी माँ में बच्चे को जो है माँ की गोद में देखा, उसने भी ये नहीं पूछा उसको कि क्या जो है ये बच्चा कहाँ से आया, इसका मतलब ये है कि जो ये बच्चा है इसको मालूम था कि इसके माँ के पास बच्चा है कोई है। तो इसके अलावा जो है वो अभी इसमें जो है वो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, हालांकि शबनम ने जो है वो पहले पुलिस को जो है वो धोखा देने की कोशिश की थी और ये बताया था कि इसको जो है वो बच्चा जो है वो किसी औरत ने जो है वो रास्ते में थमा दिया, लेकिन अब नुसरत के बयान के बाद और नुसरत की के खुलासे के बाद जो ये अब साफ बात पता चल चुकी है कि जो ये चोर थी, जो ये बच्चा चोर थी वो शबनम ही थी, और अब ये देखना है कि क्या
ये जो है वो सिर्फ पहला वाकया है यहाँ शबनम ने जो है इस तरह के पहले भी जो है वो कारनामे किए हैं। और जो पुलिस के साथ जब पूछताछ में जब शबनम ने ये बात कबूल की कि वो इसको जो है वो सिरियानगर में ले जो है वो बच्चे को ले जा रही थी, वह उसको जो है ये किसी दोस्त को जो है वो देना था, लेकिन जो हमें खबरें मिल रही थी कि इसको जो है वो ये बच्चा श्रीनगर में जो है वो किसी को बेचना था। अब हम चाहेंगे कि जो इसमें जो है वो एक पूरी तहकीकात हो, अगर ये एक रैकेट है और श्रीनगर में इसके लिंक्स हैं, श्रीनगर पुलिस के साथ कांटेक्ट करके जो है वो इसको जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, और जो लोग इसमें मुलाविस है और अगर शबनम पहले भी मुलाविस रही है उसकी भी जो है वो पूछताछ की जाए, और इसमें देखना है कि किश्तवाड़ में शबनम के साथ और कौन कौन मिले हैं, और क्या इसके घर वालों को पता था, क्या इसका जो बेटा है 17 साल के करीब का क्या उसको पता था, अगर पता था तो उन्होंने जो है वो हड़कंप मचने के बावजूद भी जो है वो पुलिस को क्यों नहीं इत्तला दी, और जो ये शबनम है इसको जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो डांटा क्यों नहीं। तो अभी जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज चल रही है, लोग जो है वो इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुलिस की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें तमाम पुलिस, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे और लोकल सिविलियंस वॉलंटियर जो है वो सब जुड़े हुए थे, और इन सब को जो है वो लीड SSP किश्तवाड़ कर रहे थे, SHO किश्तवाड़ जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, DSP हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग कर रहे थे, DSP ऑपरेशन मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे SOG के इंचार्ज दिलराज जी जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, विशाल शर्मा लगे हुए थे, इरशाद एंगर लगे हुए थे, सब लोग जो है वो इसमें लगे हुए थे, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था और जिसका सेहरा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है, जिसके सरबराह SSP किश्तवाड़ शफकत साहब भट्ट हैं। मैं भी जो है उनको मुबारकबादी देता हूँ, और मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ जिन्होंने जो है वो इस बच्चे की रिकवरी में मदद की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि जिस नुसरत मुगल ने इस बच्चे को रिकवर करने में मदद की उसको जो है वो स्टेट लेवल का अवार्ड देना जो है वो जरूरी है, और अवार्ड देना भी चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो पर जो है वो स्टार भेजिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ शबनम के ये फोटोज, जो शबनम है वो आज कैसी दिखती है, और जिसने ये बच्चा चुराया था वो कैसे है, ताकि आप भी जो है वो इसको देख सके और इसको याद रख सके, और आइंदा जो है इस तरह के औरतों से जो है वो आप बच के निकल सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।